आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का शव मिला है। डीपी यादव उनके आवास पर शव मिला, आवास के निचले तल पर बने कमरे में मिला ये शव। गोली लगने से मौत होने की जानकारी मिली है, आत्महत्या की भी आशंका जताई जा रही है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। डीपी यादव का उनके आवास पर ये शव मिला है, आवास के निचले तल पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बना है वहां पर ये शव मिला है। गोली लगने से मौत होने की जानकारी भी मिल रही है, आत्महत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। फिलहाल फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, जांच करेगी फोरेंसिक टीम, तब जाकर और खुलासा हो पाएगा। डीपी यादव के आवास पर शव मिला है, आवास के निचले तल पर बने कमरे में ये शव मिला है, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का शव मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त डीपी यादव का उनके आवास पर ये शव मिला है, और ऐसे में फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। आवास के निचले तल पर कमरा बना था जिसमें ये शव मिला है, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का ये शव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से मौत हुई है, ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि आत्महत्या का मामला भी हो सकता है। फिलहाल फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, डीपी यादव के आवास पर शव मिला है, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का ये शव बताया जा रहा है। मुरादाबाद से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डीपी यादव के घर पर ये शव मिला है, आवास के निचले तल पर जो कमरा बना था वहां पर ये शव मिला है, गोली लगने से मौत हुई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यह आत्महत्या का मामला भी हो सकता है, तो फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। आवास के निचले तल पर ये कमरा बना हुआ था जिसमें ये शव मिला है।